कभी तेरी खुशबू, कभी तेरी बातें बिन मा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑसम डाइनिंग ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, अभी जो आपने वीडियो देखा तो फ्रेंड्स इस तरह के स्टेटस वीडियो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर दिया, फोटो साइलेंट मोड में और सॉन्ग खेच इफेक्ट जो आप देखे हैं। तो रील्स में इस तरह के वीडियो भी आप देखे होंगे, वीडियो भी रहता है इस इफेक्ट के साथ और पिक्चर का भी वीडियो बनाया गया रहता है, तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करता है। अच्छे अच्छे सॉन्ग लगाकर आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एडिटिंग हम करने वाले VN एप्लीकेशन की मदद से। वैसे अगर आपके फ़ोन में काइनमास्टर काम कर रहा है तो आप उससे भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे VN एप्लीकेशन को ओपन कर लियो, प्ले स्टोर वाला ही आप ओपन करेंगे, कोई परेशानी नहीं है। प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिएगा, न्यू प्रोजेक्ट में चले जाइए, देन कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। फोटो वाले ऑप्शन में जाइएगा, जो भी फोटो पे एडिटिंग करना चाहते हो उस फोटो को सिंपली सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मैं यहाँ से ये वाली फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, देन यहाँ पे प्लस की ये एरो जो है इस पर क्लिक कर देंगे। इस साइड में आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ब्लैक दिख रहा है, मतलब ये लोगो है, तो इसे डिलीट कर लीजिएगा। देन पिक्चर को सिलेक्ट कीजिएगा, जितना टाइम का भी स्टेटस बनाना चाहते हो उतना टाइम कर लीजिएगा। मैं इतना ही रहने देता हूँ, आप पूरा जितना टाइम बनाना चाहे बना लीजिएगा। यहाँ ओरिजिनल वाले ऑप्शन में टैप कीजिएगा और ये जो देख सकते हैं आप 900 का रेसोल्यूशन सेलेक्ट कर लीजिएगा, देन कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको एक और फोटो यहाँ पर ले लेना है, तो इसे इस फोटो को आप पहले सेलेक्ट कर लीजिए इस तरह से और इसे स्लाइड करके आगे कर दीजिए। देन इस साइड में स्क्रॉल करके बैकग्राउंड में जाइए, यहाँ इमेज जो लिखा हो उस पर क्लिक कीजिए, कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब ये पॉइंटर को आप एडजस्ट कर लीजिए, कितना ब्लर आपको रखना है, तो मैं इतना रहने देता हूँ 9%, और यहाँ पर राइट क्लिक कर लेते हैं। कुछ इस तरह से हल्का हल्का शैडो टाइप का दिख रहा है। अब आपको क्या करना है, ये जो ऊपर प्लस का है इस पर टैप कीजिए, वीडियो एंड फोटो में जाइए। फोटो में जाने के बाद यहाँ पे एक ब्लैक शैडो PNG मैंने आपको दिया था, इसे सेलेक्ट कर लीजिए। देन इस साइड में आकर फील पे क्लिक कीजिए, पूरे स्क्रीन पे आ जाएगा। अब इसके लेंथ को सेलेक्ट करके आपको पूरा कर देना है, ड्यूरेशन जो इसका लास्ट तक कर देना है। तो कुछ इस तरह से दिखेगा, आप चाहे तो इसका ओपेसिटी थोड़ा सा कम कर सकते हो पिक्चर का। तो ये पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ओपेसिटी में आ जाएंगे, यहाँ पे फिल्टर में जा सकते हैं, और फिल्टर में जाने के बाद इसका जो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओरिजिनल, इसका ओपेसिटी थोड़ा कम कर लीजिएगा। एडजस्टमेंट में जाकर आप इसका ब्राइटनेस जो है उसे कम कर दीजिएगा इस तरह से। तो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कितना पे रखना, बढ़ाना चाहते हैं घटाना चाहते हो उतना कर लीजिएगा। सेचुरेशन हल्का सा डाउन कर देते हैं इस तरह से और राइट क्लिक कर देते हैं। तो कुछ इस तरह से दिख रहा है, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिर से प्लस के टाइप कीजिए, वीडियो और फोटो में जाइए, फोटो में जाकर उसी पिक्चर को वापस से आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो ये वाली फोटो को मैंने वापस से सेलेक्ट कर ली, जैसे आप देख सकते हैं। देन इसके ड्यूरेशन को भी आपको लास्ट तक कर देना है, कोई भी मटेरियल आप लेंगे ड्यूरेशन उसका लास्ट तक रहेगा। या मास्क ऑफ ग्रुप पे आ जाइएगा, आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्या करना है, इसमें से काफ़ी सारे मास्क है, तो आप जो भी मास्क चाहे तो एडजस्ट कर सकते हैं, जो भी लेना चाहे ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे तब तक के लिए ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है, राउंडेड वाला, और इसे इस तरह से बढ़ा देंगे। तो राउंडेड वाला सही नहीं रहेगा, ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसे इस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ा देंगे और इसे थोड़ा सा नीचे की तरफ इस तरह से 9-16 के शेप में रख लीजिएगा, अच्छा रहेगा। थोड़ा सा और ऊपर वाला बढ़ेगा, ई पर चला गया। अब ये जो एरो देख सकते हैं, इसे पकड़ के हल्का सा आप इस तरह से कर दीजिएगा, ताकि यहाँ पे शैडो टाइप का आपको दिखे, ठीक है। जो शैडो आ गया यहाँ पे, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे इसे और थोड़ा छोटा करते हैं यहाँ पे शेप को, और सही है, शैडो भी यहाँ पे मिल गया। राइट क्लिक करके एक बार देख लेते हैं परफेक्ट है या नहीं। तो देख सकते ये सही लग रहा है, अभी इसे थोड़ा सा जूम करके एडजस्ट कर लीजिएगा सेंटर में, यहाँ पे इस तरह से रख लीजिएगा, इस तरह से एकदम सेंटर फिर रखिएगा कि देखने में सही लगे। तो इस साइड में थोड़ा सा लेफ्ट साइड में क्रॉपिंग सही से नहीं हुआ है, तो वो थोड़ा सा अजीब लग रहा है। तो यहाँ पे फिर से आ जाते हैं, आने के बाद इसे थोड़ा सा इस साइड में कर लेंगे, यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं, इस तरह से दोनों साइड एकदम बराबर से रखेंगे। इधर वाले को थोड़ा सा कम करते हैं और फिर इधर को, अभी यहाँ पे सही लग रहा है, राइट क्लिक कर लेते हैं और परफेक्ट ये सही लग रहा है। तो इतना पे इसे हम रख लेंगे, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब आपको स्टार्टिंग में आ जाना है, स्टार्टिंग में ए वाली ऑप्शन टैप करना, वीडियो और फोटो में जाना है। फोटो में जाने के बाद एक शैडो PNG भी मैंने आपको दिया था, तो ये वाला PNG आप ले लीजिएगा। देन इसे ऊपर की तरफ इस तरह से रखना है और यहाँ पे इसके बराबर में कर देना है, पिक्चर जो आप लिए हैं उसके बराबर में इस तरह से कर लीजिएगा, ठीक है, एकदम बराबर लग रहा है। अब ये PNG को ब्लैक वाले को लेकर नीचे कर दीजिएगा इस तरह से, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। देन इसके ड्यूरेशन को आपको लास्ट तक कर देना है, करने के बाद स्क्रीन पे टैप कीजिएगा तो देखिए कुछ इस तरह से आ रहा है, अच्छे से एडजस्ट अभी नहीं हुआ है। पिक्चर जो हमारा है, फोटो जो है वो थोड़ा ऊपर लग रहा है, तो फोटो को सिलेक्ट करेंगे और ये जो ब्लैक वाला शैडो हम जहाँ पे लगाए हैं उसके ऊपर एडजस्ट कर देंगे अच्छी तरह से। तो अब ये सही लग रहा है, परफेक्ट लग रहा है फ्रेंड्स, देख सकते हैं अच्छे से हो गया। अब इसके स्टार्टिंग में आ जाइएगा, आने के बाद आपको क्या है, टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर चले जाना है। देन यहाँ पर आपको एक लाइन वाला देख लेना है, वैसे PNG भी आप लगा सकते हैं इमोजी का दूसरी जगह से बनाकर। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, कोई यहाँ पे नहीं मिलता वैसा इफेक्ट जैसा मैं खोज रहा हूँ। तो चलिए ऊपर एक टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, टेक्स्ट वाले में जाने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, डबल टैप कर देना है तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। इमोजी वाले में जाइएगा, 2-3 इमोजी आप जो भी लेना चाहें उसे ले लीजिएगा, बस व्हाइट वाला नहीं, ये जैसे यहाँ पे देखते हैं ये वाला ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं,
ये फायर ले लेते हैं और ये वाला ले लेते हैं, चार ठो मैंने ले लिया। देन यहाँ से बैक आ जाएंगे, बैक आने के बाद इसे आप एडजस्ट करना चाहे कुछ यहाँ पे, जैसे सेट इसे बढ़ाना चाहे घटाना चाहे तो सारी चीज़ें कर सकते हैं। मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर लेता हूँ, मैं कुछ नहीं इसमें कर रहा हूँ। यहाँ पे इसका स्टाइल जो देख सकते हैं, स्टाइल में जाकर यहाँ पे कुछ सिलेक्ट करना चाहे तो आप कर सकते हो। वैसे इसमें से कुछ सिलेक्ट करने के लायक है नहीं, ये वाला इस टाइप का मैं सोच रहा था टेढ़ा हो जाए, बट इस तरह से ये होगा नहीं तो मैं इसे रहने देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये वाला देख लेते हैं, ये भी काम नहीं करेगा फैंस ऊपर में, ये काम नहीं करेगा तो हम इसे छोड़ देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ से एक बार बैक कर लेते हैं, जैसे इमोजी हमारा था वैसा आ जाए, तो ये तो हट ही गया, तो इसे फिर से हमें इमोजी डालना होगा। तो चलिए इतना रहने देते हैं, यहाँ से हम बैक आएंगे, बैक आने के बाद राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स इसे ऊपर की तरफ यहाँ पे रख लीजिएगा। इसे छोटा करना चाहे तो आप छोटा और कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ से इस तरह से छोटा कर लीजिएगा और सेंटर में रख लीजिएगा, परफेक्ट है। अब आपको स्टार्टिंग में आ जाना है, ये वाली ऑप्शन पर फिर से क्लिक करना, वीडियो एंड फोटो में जाना है, ये वाला वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इसे आप फ्लिप कर लीजिए, मतलब रोटेट कर लीजिए कुछ इस तरह से, और इस साइड में ऊपर की तरफ यहाँ पे बराबर में रख लीजिएगा, और फिर इसे जूम कर लीजिए जो कि कुछ इस तरह से आ जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं। देन यहाँ पे ब्लेंडिंग में जाइएगा और यहाँ पे स्क्रीन कर लीजिएगा और राइट क्लिक कर लीजिएगा, और फिर इसे प्ले तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जो स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब ये वाला जो इमोजी हम लगाए थे इसे भी सिलेक्ट करके इसके लेंथ को आपको पूरा लास्ट तक कर देना है, ड्यूरेशन आपको लास्ट तक कर लेना है। फिर स्टार्टिंग में आ जाएगा, स्टार्टिंग में आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो सॉन्ग आपको ऐड करना है तो उसके लिए आपको करना है ऊपर जो म्यूजिक का ऑप्शन देखिए, इस पर टैप करना है, टैप करने के बाद म्यूजिक वाले ऑप्शन चले जाना है। देन यहाँ पे जो भी सॉन्ग को आप ऐड करना चाहते हो उसे कर लीजिए, तो इंपोर्ट फ्रॉम फाइल पे मैं क्लिक करता हूँ, देन ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद मैंने अभी डाउनलोड किया था तो ये वाला सॉन्ग को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सॉन्ग सिलेक्ट हो चुका है तो यहाँ पे चूज पे क्लिक करेंगे और ये सॉन्ग यहाँ पे आ गया, देन राइट क्लिक कर लेंगे, सॉन्ग हमारा आ चुका है, आप जो भी सॉन्ग लगाना चाहे लगा लीजिएगा। देन आपको एक और काम करना है, ये वाली ऑप्शन में टैप करना है, वीडियो एंड फोटो में चले जाना है, फोटो वाले ऑप्शन पे जाना है। देन यहाँ पे बॉर्डर वाला जो पीएनजी फोटो आपको मैंने दिया था उस फोटो को ले लीजिएगा, मैं कई सारे पहले भी दे चुका हूँ तो आपके पास होगा अभी, तो आप देख लीजिएगा ये वाला रहा, इसे सिलेक्ट कर लेंगे। देन इस साइड में आ जाएंगे और फिल स्क्रीन करेंगे, पूरे स्क्रीन पे आ गया, ब्लेंडिंग पे जाकर इसे स्क्रीन कर देंगे और राइट क्लिक कर लेंगे, तो बॉर्डर यहाँ पे कुछ इस तरह से लग गया। अभी हम प्ले करके देख लेते हैं, काफ़ी अच्छे से लग गया। अब यहाँ पे एक और मटेरियल कुछ है जो आधा तक है तो इसे भी लास्ट तक कर देंगे, यही अभी बॉर्डर मैंने जो लगाया था बॉर्डर स्टार्टिंग में ही था। अब ये परफेक्ट हमारी एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है, इस वीडियो को सिंपली सेव कर लेंगे, सेव करने के लिए ऊपर जो एरो देखते हैं इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद स्टार्टिंग मतलब वीडियो एक्सपोर्टिंग स्टार्ट हो जाएगा और थोड़े ही टाइम में वीडियो हमारा एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता वीडियो आपको पसंद आई होगी, साइज सो गई वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, इसी तरह की और भी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिले नेक्स्ट वीडियो, तब तक पूरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।